हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आप करेंगे रिलेशनल डाटा मॉडल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टेंट्स। रिलेशनल डाटा मॉडल इज़ रिलेटिवली रीसेंट एंड बिगिन विद थियोरेटिकल पेपर ऑफ कॉल्ड विच प्रपोज दैट बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। जिहड़े ये कॉल्ड दे प्रिंसिपल है दैट इज़ रिलेटेड टू लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, भी जिहड़ा डाटा हैगा एक दूजे नाल लॉजिकली किवें लिंकड है। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बीयर इन माइंड दैट दिस इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट फिजिकल वे इन विच डाटा इज़ स्टोर्ड। भी हुण जिहड़ा डाटाबेस दे विच डाटा स्टोर्ड होगा वह किवें होगा, भी इंडिपेंडेंट भी होवे ते उन्होंने यूज़ करना भी फिजिबल भी होवे ते एक दूजे नाल रिलेशन भी बने होण। द साइज ऑफ रिलेशनल डाटाबेस अप्रोच इज़ दैट ऑल डाटाबेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टेबल। रिलेशनल डाटाबेस दे विच सारा भी जिहड़ा डाटा हैगा टेबल्स दे रूप दे विच एंट्री होंगी है। ऑल एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स हैव टू बी, एक हम तुम्हें एंटिटीज़ भी पता चल गया की होंगे, एट्रीब्यूट्स भी पता चल गया की होंगे हैगा, उन्होंने आप रो ते कॉलम दे विच एक्सप्रेस करते हैं। इन द पी सी वर्ल्ड ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ डी बेस 3 एंड इट इज़ लेटर वर्जन। ये सारा डी बेस 3 एक सॉफ्टवेयर है जिसे विच आप सारा डेटाबेस जरा है मेनटेन करते आप एक्सेस यूज़ करा। अजक एक्सेस यूज़ होंगे है वैसे ओरेकल सीक्वल सर्वर ये सारे एग्जाम्पल्स ने RDBMS से। पॉपुलैरिटी ऑफ अ स्प्रैडशीट ऑल्सो अरोज बिकॉज ऑफ इनहेरिट सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग इनफॉर्मेशन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वाली जी स्प्रैडशीट्स होंदियां सीगियां उहदे विच भी रो कॉलम सीगे ते उहदे विच भी एंट्रियां होंदियां सीगियां, बट रिलेशनल दे विच आपां डेटाबेस फॉलो करना पएगा। सो दिस एक्चुअली मेक्स सर्टन, इहदे विच थोड़े मैथमैटिकल ऑपरेशन रिलेशन यूज़ होन जिवें कि प्रोजेक्शन, यूनियन ते जॉइन। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है विच हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रुपिंग ऑफ डाटा आइटम्स इन टू रिकॉर्ड्स सैगमेंट्स या ट्यूपल्स यानी रोज के विच। जिमें कि हम आप देखो एक टेबल बनया हुआ है रिलेशनल मॉडल के विच, तो ये जिहड़ा टेबल बनया हुआ वह हर ईच कॉलम कंटेन्स वैल्यूज अबाउट सेम एट्रीब्यूट है ना। आ कॉलम है, आ एट्रीब्यूट हैगा नेम, तो ये सारिया वैल्यूज ने। ईच कॉलम हैज़ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट ने, हम ये सब दे कॉलम सेट ने, देखो नेम है, रोल नंबर है, सैक्स तो एज है। ईच रो इज़ डिस्टिंक्ट, हर रो अड अड है, एकम की रो है तो वह आपका रोल नंबर, वह आपका पता चलेगा मेल है तो वो एज आपकी है, तो एवं हर रो अलग है। तो सीकुएंस ऑफ रोज इज एन इमटीरियल, तो यही सीकुएंस जी हैगी इमटीरियल कह देंगे हैं भी, चाहे सिमर वाली रो हैगी पहले नंबर पर आ जाए, एकम वाली दूजे नंबर पर आ जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा। तो अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन देखिए रिलेशन की, वह की होगी भी जे एट्रीब्यूट्स हो गए वह A1 तो लैके AN, यानी N हो गया ये 4, तो N मतलब जिन्हें भी एट्रीब्यूट्स लवेंगे। डोमेन हो गया भी जी वैल्यूज़ होंगे जिमें नेम दियाँ वैल्यूज़ ने वो हो गया, तो डोमेन यानी सैट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद कॉरस्पोंडेंस डोमेन हो गया। ये एडवांटेज हो गए कि यह रिलेशनल अप्रोच ईजी टू यूज़ है, फ्लैक्सीबल है ना। सिक्योरिटी मेनटेन होंगी है क्योंकि ये सिक्योरिटी कॉल कंट्रोल तो ऑथोराइजेशन यूजर नेम पासवर्ड नाल ऑथोराइजेशन मेनटेन होंगी हैगी है। डाटा इंडिपेंडेंट टू अचीव मोर ईजली विद नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर। रिलेशनल डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन फॉलो होएगी तो इसलिए डाटा अचीव करना ज़्यादा ईजी होएगा, तो डाटा मैन्यूपुलेट करना, वो डाटा इंसर्ट करना, तो डाटा रिट्रीव करना, मॉडिफाई करना, सब ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो यही हो गया तुहाडे एडवांटेजेस रिलेशनल अप्रोच दे। अगे हो गया ये कॉन्सटेंट्स हो गए रिलेशनल मॉडल दे, कॉन्सटेंट्स हो गए तो डोमेन कॉन्सटेंट्स हो गए भी हाँ रोल नंबर है तो ये कला इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है, नेम है तो ये कली एज है तो इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है, करैक्टर नहीं हो सकती, कैन नॉट बी करैक्टर है। तो आ देखो जिम्मे ये है ये गलत है। ट्यूपल की यूनीकनैस मेनटेन होंगी है, रोल नंबरस नाल मेनटेन कर होंगी है क्योंकि हर रोल नंबर ज एक दो बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं होंगे है, तो ये होगी थोड़ी ट्यूपल की यूनीकनैस का कॉन्सटेंट हो गया कि रोल नंबर यानी प्राइमरी की दे दो की कॉन्सटेंट हो गया जिमें प्राइमरी की देती। तो इंटीग्रिटी रूल्स हो गए हैं, ये जिमें दो टेबल्स बनने ने तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ए होंगी हैगी भी जिमें जिहड़ा आह लोकी डिपार्टमेंट का टेबल है 12 जरा है पटियाला, 26 जरा है खन्ना, तो ये 12 तो 26 ही हो सकता है, जरा 25 है वो ये नहीं है ना, तो यही वीना की एंट्री जी गलत है। ठीक है,
ठीक है, तो अगर वह लोकेश इतने नहीं है तो इतने भी नहीं होगा, है ना। तो यही फिर रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी फॉलो नहीं कर रहा है तो देखो इसलिए S25 इज़ नॉट अवेलेबल इन अपार्टमेंट रिलेशन फाइव, तो यही वैल्यू यही रो नहीं आएगी, है ना। तो जो भी टेबल है वो इंसर्ट ऑपरेशन होंगे है वे भी यही तीनों कॉन्सटेंट यूज होंगे ने, ठीक है। तो इनसर्ट हो गया ये करवा चुकी मैं थोड़ा, डिलीट हो गया, डिलीट का ऑपरेशन डी कास्केड डिलीशन होगी भी अगर आपने सपोज इतना 12 डिलीट करता 12 पटियाला डिलीट करता तो आह वाले ये 12 वाले विवेक तो राहुल वाले ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाए, ये हो गया कास्केड डिलीशन, ठीक है। मॉडिफाई अगर एक मॉडिफाई होंगे तो दूजा अपने आप ही मॉडिफाई हो जाए। तो देखो जिमें आप 12 में लिखा है भी डिलीट करता तो विवेक तो राहुल ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएगा। अपडेट के भी एवं है अगर आप कुछ अपडेट करते हैं तो ऑटोमैटिकली वो अपडेट हो जाएगा। हाँ ये देखो 20 जरा है ये नहीं है तो ये एंट्री गलत है, रिजेक्ट हो जाएगी, ये है रिजेक्शन, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये अपना अज का चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल आप शुरू करांगे नेक्स्ट चैप्टर ना।